Auzubillahi minashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Next important questions jo ke previous papers mein puche ja chuke hain unko discuss karte hain. Question number 1 mein aayega the ke laws of heredity were discovered by Mendel. Laws of heredity yani ke jo virasat ke qanoon hain wo kisne discover kiye? Mendel ne. Next, the highest mountain peak Mount Everest has been named after Colonel George Everest. कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट जो कि सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया थे. कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट जिनके नाम के पीछे माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया, वो ओहदे के लिहाज से क्या थे? तो वो सर्वाइवर जनरल ऑफ इंडिया थे. नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका, वो एक्चुअली एक इटालियन थे, इटली के रहने वाले थे. क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका को दरियाफ्त किया वो दरअसल इटली के रहने वाले थे. नेक्स्ट, द सिंगल बिगेस्ट हाइड्रल पावर जनरेटिंग साइट इज सिचुएटेड इन चाइना. सिंगल बिगेस्ट हाइड्रल पावर जनरेटिंग यानी कि सबसे बड़ा पानी के ज़रिए बिजली पैदा करने वाला जनरेटिंग साइट जो है वो चाइना के अंदर है. नेक्स्ट है फर्स्ट ओलंपिक मेडल गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान वाज इन समर ओलंपिक गेम्स ऑफ 1960. सबसे पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जो पाकिस्तान ने जीता समर ओलंपिक गेम्स के अंदर वो 1960 के अंदर हॉकी में हमने जीता था. नेक्स्ट है व्हेन अयूब खान टुक ओवर पावर इन 1958 द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. जब अयूब खान ने 1958 में पावर ऑफ पाकिस्तान यानी कि उसको संभाल लिया तो उस वक़्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मलिक फिरोज़ खान नून उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे जब 1958 में मार्शल लॉ लगा. नेक्स्ट, द फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट इंडेंटेशन बाय पीआईए की सबसे पहली फ़्लाइट कब यानी कि उसने टेक ऑफ किया? 7 जून 1954 को, और ये फ़्लाइट गई थी चाइना के अंदर 7 जून 1954 को पीआईए की पहली फ़्लाइट इंटरनेशनल फ़्लाइट जो है वो उड़ी. नेक्स्ट है द पोइट्री रिटन बाय अल्लामा इकबाल इन पर्शियन एंड देन ट्रांसलेटेड इन उर्दू बाय पॉपुलर डिमांड, तो वो है बांगे दरा जो है ये पहले अल्लामा इकबाल ने उर्दू में यानी कि पर्शियन में और फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया बांगे दरा को. नेक्स्ट है द बुक इंडियन मुसलमान्स वो 1871 में पब्लिश हुई, ये किसने यानी कि किसने लिखी? जस्टिस अमीर अली ने ये बुक लिखी थी 1871 के अंदर इंडियन मुसलमान्स जो के पब्लिश हुई 1871 में इंडियन मुसलमान्स बाय जस्टिस अमीर अली. नेक्स्ट है दरियाए नील कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये लेक विक्टोरिया से. दरियाए नील यानी रिवर नील ओरिजिनेट्स फ्राम लेक विक्टोरिया. द सनलाइट इज़ कम्पोज ऑफ, सूरज की रोशनी बनी हुई होती है 7 मुख्तलिफ रंगों से 7 कलर्स से. द सनलाइट इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर्स. नेक्स्ट है विच इज़ द लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग, सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन सा है? वो है लकड़ी होती है सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर वुड. विच इज़ द लीस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग, तो वो होती है वुड. नेक्स्ट आएगा हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट को किसने फाउंड किया? रॉबर्ट बैडन पॉवल ने 1908 के अंदर जो है वो स्काउट मूवमेंट को फाउंड किया रॉबर्ट बैडन पॉवल ने. नेक्स्ट आएगा द वाई वॉल स्ट्रीट इज़ सो फेमस, वॉल स्ट्रीट इतनी मशहूर क्यों है? वो इसलिए बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ न्यूयॉर्क, क्योंकि वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है न्यूयॉर्क की, इसलिए वॉल स्ट्रीट जो है वो फेमस है. नेक्स्ट आएगा दासमान पैलेस जो है ये एक महल है और ये ऑफिशियल रेजिडेंस है अमीर कवैत का. कवैत का जो अमीर होता है उसका जो महल है उसका नाम है दासमान पैलेस. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी कोस्ट लाइन 48,798 किलोमीटर ये कैनेडा की कोस्ट लाइन है. सबसे लंबी कोस्ट लाइन कैनेडा की कोस्ट लाइन है 48,798 किलोमीटर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन मेंटेन नॉर्मल ब्लड क्लॉट, तो वो है विटामिन के जो है ये हमारा खून जो मुंजमद होता है जम जाता है वो विटामिन के की वजह से है.
नेक्स्ट है, इन 1962 विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड वाज फॉर्म्ड, तो वो थी रबियत उलमाए इस्लाम। रबियत उलमाए इस्लामी जो है ये 1962 के अंदर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है मुस्लिम वर्ल्ड में फॉर्म्ड की गई, रबियत उलमाए इस्लामी। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट इस्लामिक कंट्री बाय एरिया, एरिया के हवाले से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सिचुएट है। पाकिस्तान इज सिचुएटेड एट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे ये अर्थ है, ये दरमियान से गुज़रता है इक्वेटर, ऊपर से गुज़रता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और यहाँ नीचे से गुज़रता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और पाकिस्तान जो है ये यहाँ पर लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर। नेक्स्ट आएगा, इन द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान द शेयर ऑफ पंजाब, पंजाब का जो शेयर है एरिया के लिहाज से 25% है, पॉपुलेशन के लिहाज से 52% से ज़्यादा है, जो पाकिस्तान का पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में 52% जो है वो पंजाब से है, जबकि रकबे के लिहाज से 25% जो है वो पंजाब कह रही है। नेक्स्ट है, बगाचल बगलपुर एरिया ऑफ डेरा गाजी खान कंटेन मिनरल रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के जो रिजर्व्स हैं वो डेरा गाजी खान के इलाके बगाचल एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया, एरिया के हवाले से सबसे छोटी स्टेट कौन सी है, तो वो है सैन मेरिनो। सैन मेरिनो जो है ये एरिया के लिहाज से सबसे छोटी स्टेट है, यानी सैन मेरिनो मालदीव, माल्टा और बहरीन में से सैन मेरिनो एरिया के हवाले से सबसे छोटी है। नेक्स्ट है, मोस्ट पार्ट ऑफ गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो मंगोलिया से है। मोस्ट पार्ट ऑफ गोबी डेजर्ट इज सिचुएटेड इन मंगोलिया, गोबी डेजर्ट जो है ये मोस्ट ऑफ पार्ट है, जो इसका ज़्यादातर हिस्सा मंगोलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता। नेक्स्ट आएगा, हु इज़ कॉल्ड मैन ऑफ डेस्टनी, मैन ऑफ डेस्टनी किसको कहा जाता है यूरोपियन हिस्ट्री में, तो वो है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टनी कहा जाता है, जिसको बैटल ऑफ वाटरलू के अंदर जो है वो शिकस्त दी गई थी नेपोलियन बोनापार्ट को। नेक्स्ट है, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आया था 1879 के अंदर, ये किसकी वजह से आया था, रोशो की वजह से। रोशो, इट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रोशो। नेक्स्ट है, द रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, तो वो कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी वजह से हमारे जो खून होता है उसका रंग सुर्ख होता है। नेक्स्ट है, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी इज़ बिलीव टू हैव 16% ऑफ अर्थ पोटेंशियल ऑयल रिज़र्व। कैस्पियन सी जो है ये यकीन किया जाता है कि इसके अंदर 16% पोटेंशियल है ऑयल रिजर्व्स का, और इसका बॉर्डर मिलता है 5 ममालिक के साथ, तो वो कौन कौन से हैं, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान। दोबारा सुने, कैस्पियन सी के साथ किस किस के बॉर्डर मिलते हैं, रशिया, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और आज़रबाईजान के। नेक्स्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, और ये उसको किस मुल्क की जानब से दिया गया, ये फ्रांस की जानब से दिया गया, 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका आज़ाद हुआ था, और उस वक़्त फ्रांस ने उसको स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिया था, और ये न्यूयॉर्क के अंदर है। नेक्स्ट आएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, हवा के अंदर जो है साउंड की स्पीड कितनी होती है, वो है 331 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, एलिजी पैलेस, एलिजी पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है किसकी, प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस की। एलिजी पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस, फ्रांस के प्रेसिडेंट की रहाइश का नाम है एलजी पैलेस। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मोर प्रोन टू डैमेज फ्राम द हेपेटाइटिस वायरस, तो वो है लीवर। लीवर जो है ये हेपेटाइटिस वायरस जो है वो मतलब इसको ज़्यादा डैमेज करता है।
अच्छा उसके बाद आएगा हमारे यानी कि जिगर को। द नेम ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज प्रपोज्ड इन 1906 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम इसको किसने दिया था, तो इनमें से कोई भी नहीं है जिसने इसको इसका नाम दिया था। नेक्स्ट द ईयर ऑफ 1905 इज़ कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान, किस लिए, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से 1905 के अंदर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन की मौजूदगी में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, जो कि फिर 1911 के अंदर दोबारा इस पार्टीशन को तोड़कर बंगाल को एक ही सूबा बना दिया गया। नेक्स्ट है मे डे, मे डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है टू रिमेंबर द किलिंग ऑफ लेबर प्रोटेस्ट ऑन 1 मई 1886 इन शिकागो, शिकागो के अंदर 1 मई 1886 को मज़दूरों का आलमी डे के तौर पर इसको मनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर किलिंग ऑफ लेबर हुआ था। उसके बाद आएगा कि माइकल डेल, माइकल डेल एक बहुत मशहूर नाम है किस हवाले से, कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर। माइकल डेल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम ऑफ टुडेज कंप्यूटर वर्ल्ड। नेक्स्ट आएगा द कंट्री विच इंट्रोड्यूस्ड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पहली दफ़ा वो कौन सा मुल्क है जिसने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया था ताकि पब्लिक सर्वेंट्स को इलेक्ट किया जा सके, तो है चाइना, चाइना ने यह इंट्रोड्यूस करवाया था, जैसे जिस तरह पाकिस्तान में CSS है। नेक्स्ट है आल्मा मैटर, आल्मा मैटर का क्या मतलब बनता है, वंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आल्मा मैटर का बनता है कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकॉनमी, डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकॉनमी से क्या मतलब है, इसका मतलब है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब है कि पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो जाना, इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकॉनमी उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट है द लीजेंडरी पेंटिंग मोनालिजा, ये किसने क्रिएट की, ये लियोनार्डो डा विंची ने, लेजेंडरी पेंटिंग मोनालिजा ये किसने क्रिएट की थी, ये लियोनार्डो डा विंची ने बनाई थी। नेक्स्ट है अ स्टॉक विच इज़ हाईली इन डिमांड बीइंग अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, वो स्टॉक मार्केट जो इस तरह की हो कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो उसका रिस्क बहुत थोड़ा है, तो वो होती है ब्लू चिप, उसे कहते हैं ब्लू चिप। अ स्टॉक विच इज़ हाईली इन डिमांड बीइंग अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, तो वो है ब्लू चिप। नेक्स्ट आएगा द एबिलिटी ऑफ नोइंग थॉट्स ऑफ अदर्स, तो वो होती है टेलीपैथी, यानी कि दूसरों के ख्यालात को पढ़ लेना, वो कहलाता है टेलीपैथी। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड उसका नाम है ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड है। नेक्स्ट सिंगापुर, सिंगापुर वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ मलेशिया, सिंगापुर जो है वो पहले मलेशिया का हिस्सा था, सिंगापुर वाज प्रीवियसली पार्ट ऑफ मलेशिया। नेक्स्ट है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, ये बुक किसने लिखी है, जेन ऑस्टन ने, प्राइड एंड प्रेजुडाइस वाज अ बुक रिटन बाय जेन ऑस्टन। नेक्स्ट है एलिजी पैलेस, एलिजी पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है किसकी, प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस की, एलिजी पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है, रहाइश है किसकी, प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस की। नेक्स्ट आएगा जूलियन असेंज, जूलियन असेंज कौन है, ये फाउंडर ऑफ विकीलीक्स है, जूलियन असेंज इज फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, जूलियन असेंज इज फाउंडर ऑफ विकीलीक्स। नेक्स्ट है SECP, SECP पाकिस्तान की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनियां आती हैं उनको रेगुलेट करती है, SECP सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये स्टॉक मार्केट की अथॉरिटी है, ये मतलब पाकिस्तान की अथॉरिटी है और ये स्टॉक मार्केट्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं उनको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेम्बर ऑफ SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कॉपरेशन के टोटल मेम्बर की तादाद है 8, SAARC जो कंट्रीज़ हैं उनकी टोटल मेम्बर्स की तादाद आती है 8। नेक्स्ट आएगा म्यांमार, म्यांमार जो है ये एक नया नाम है किस मुल्क का, बर्मा का, म्यांमार इज़ द न्यू नेम ऑफ बर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीज और इन्फेक्शन, तो वो होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल जो हैं ये इंसान की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स और इन्फेक्शन के। विच सब्सटांस इज़ यूज इन मैच स्टिक्स, माचिस के अंदर कौन सा सब्सटांस इस्तेमाल होता है, तो वो होता है रेड फॉस्फोरस,
ریڈ فاسفورس جو ہے یہ میچ سٹک میں استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ ہے پاکستان آفیشیلی بکیم دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن آف 1956. 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق پاکستان کو اسلامک ریپبلک کا نام دیا گیا. نیکسٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے اپنی لا پریکٹس بامبے سے شروع کی تھی, ممبئی سے, جو آج موجودہ ممبئی ہے. قائد اعظم نے اپنی پریکٹس جو ہے وہ لا پریکٹس بمبئی سے شروع کی تھی. نیکسٹ ہے دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ, مسلم لیگ کا سب سے پہلا پریزیڈنٹ کا نام کیا تھا؟ سر آغا خان. سر آغا خان جو ہیں وہ پہلے پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ کے. نیکسٹ ہے پاکستان نے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو 30 ستمبر 1947 کو جوائن کیا. 30 ستمبر 1947 کو. نیکسٹ ہے دی امیر بھاشا ڈیم, دی امیر بھاشا گلگت بلتستان کے اوپر ہے, یعنی کہ گلگت کے اندر جو ہے وہ دی امیر بھاشا ڈیم کو بنایا جائے گا. پاکستان جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا میں لوکیٹ ہے, پاکستان جو ہے یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر لوکیٹ ہے. نیکسٹ ہے علامہ اقبال, علامہ اقبال کوالیفائیڈ ایز پی ایچ ڈی اسکالر. علامہ اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے ملی؟ میونخ یونیورسٹی آف جرمنی سے. علامہ اقبال کو پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ میونخ یونیورسٹی آف جرمنی سے ملی. نیکسٹ ہے دا اونلی گورنمنٹ ان انڈیا ہیڈڈ بائی آل انڈیا مسلم لیگ ان 1946, تو وہ تھی سندھ گورنمنٹ جو ہے, اونلی گورنمنٹ ان انڈیا ہیڈڈ بائی آل انڈیا مسلم لیگ ان 1946, تو اس گورنمنٹ کا نام تھا, یعنی کہ وہ سندھ جو گورنمنٹ ہے وہ والی. نیکسٹ ہے بولان پاس, بولان پاس ایک ماؤنٹین پاس ہے بلوچستان میں, جو کہ پاس ہوتی ہے توبہ کاکر رینج سے. توبہ کاکر رینج جو ہے وہاں سے بولان پاس جو ہے یہ ماؤنٹین پاس سے, مطلب یہ وہ ماؤنٹین پاس ہے, اس ماؤنٹین پاس کا نام ہے توبہ کاکر رینج, یہ بلوچستان کے اندر ہے اور بولان پاس یہاں سے گزرتی ہے. نیکسٹ ہے وچ آف دی فالوئنگ از ناٹ اے ممبر آف اکانومک کوپریشن آرگنائزیشن. اکانومک کوپریشن آرگنائزیشن کا کون سا ممبر ملک نہیں ہے؟ تو وہ ہے چیچنیا. چیچنیا جو ہے یہ اس کا ممبر نہیں ہے, جبکہ پاکستان افغانستان اور قزاقستان یہ اس کے ممبر ہیں اکانومک کوپریشن آرگنائزیشن کے, جس کا پہلے نام تھا RCD, یعنی ریجنل کوپریشن ڈیولپمنٹ, جو کہ 1964 میں بنائی تھی ایران نے, پاکستان نے اور ترکی نے مل کر. نیکسٹ ہے رافیل نڈال, رافیل نڈال جو ہے وہ ایک فیمس پلیئر ہے ٹینس کا. رافیل نڈال از اے فیمس پلیئر آف ٹینس. نیکسٹ ہے ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ, ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ جو ہے یہ ایک آفیشیل ریزیڈنس ہے, یعنی کہ رہائش ہے برٹش پرائم منسٹر کی. ٹین ڈاؤننگ اسٹریٹ رہائش ہے آفیشیل برٹش پرائم منسٹر کی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے یہ اسٹیبلش ہوا 1948 کو, جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جولائی 1948. ہاؤ مینی نیوکلیئر پاور پلانٹس آر ان پاکستان, پاکستان میں 4 نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں, 4 نیوکلیئر پاور پلانٹس. نیکسٹ ہے دا فیمس پاس وچ کنیکٹ پاکستان وچ چائنا, مشہور پاس جو پاکستان کو چائنا سے کنیکٹ کرتا ہے وہ ہے خنجر پاس. فیمس پاس وچ کنیکٹ پاکستان وچ چائنا, اس کا نام ہے خنجر پاس. نیکسٹ ہے خیبر پاس جو ہے یہ لنک کرتا ہے پشاور کو کابل سے. کابل جو ہے یہ افغانستان کا کیپیٹل ہے اور اس کو لنک کرتا ہے خیبر پاس, جس کی لینتھ ہے 53 کلومیٹر, اور یہ پشاور اور کابل کو کنیکٹ کرتا ہے. افغانستان از لوکیٹڈ آن دی بارڈر آف ساؤتھ ویسٹ بارڈر کے اوپر, پاکستان کو جو ساؤتھ ویسٹ بارڈر ہے اس کے اوپر افغانستان لوکیٹ ہے. نیکسٹ ہے ٹو دی ساؤتھ آف پاکستان, پاکستان کے ساؤتھ کی جانب عربین سی ہے, پاکستان کے ساؤتھ کی جانب جو ہے وہ عربین سی پایا جاتا ہے. نیکسٹ آئے گا اسلام آباد واز میڈ کیپیٹل آف پاکستان ان دا ایئر 1960, 1960 کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد کو کیپیٹل بنایا گیا تھا پاکستان کا. اسلام آباد واز میڈ کیپیٹل آف پاکستان ان دا ایئر 1960. نیکسٹ ہے ریڈ کلیف, ریڈ کلیف جو تھا وہ ایز اے لائر ایک پروفیشن, یعنی کہ پروفیشن کے طور پر ایک لائر تھا. ریڈ کلیف جو ہے یہ ریڈ کلیف ایوارڈ جولائی 1947 کے اندر جو ہے وہ دیا گیا تھا, اور ریڈ کلیف جو ہے یہ بائی پروفیشن ایک لائر تھا. نیکسٹ ہے پاکستان ریکوگنائزڈ پیپل ریپبلک آف چائنا, پاکستان نے چائنا کو ریکوگنائز کیا 1949 کے اندر, اکتوبر
1949 के अंदर चाइना आज़ाद हुआ था, आई थिंक सो 4 अक्टूबर को, और पाकिस्तान ने इसको रिकॉग्नाइज़ कर लिया था। नेक्स्ट है मार्गला हिल्स। मार्गला हिल्स आर ए पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, तो वो थी हिमालया, हिमालया रेंज की, यानी कि मार्गला हिल जो है वो हिमालया रेंज जो माउंटेन है वहाँ पर, यानी कि लोअर हिमालया के अंदर मार्गला हिल जो आती हैं, मार्गला हिल जो है वो यानी कि लोअर हिमालया का हिस्सा है। नेक्स्ट है तिलिया जोगरा। तिलिया जोगरा जो है ये क्या चीज़ है, फाइंड्स मेंशन इन एपिक लव पोइम हीर रांझा ऑफ वारस शाह, वारस शाह की जो हीर रांझा पोइम है उसके अंदर इसका जिक्र आता है तिला जोगिया का। नेक्स्ट है विच डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर जेहलम, रिवर जेहलम के ऊपर कौन सा डैम कंस्ट्रक्ट है, तो वो है दरियाए यानी कि सॉरी मंगला डैम, मंगला डैम जो है वो दरियाए जेहलम के ऊपर है, जबकि इंडस रिवर के ऊपर जो है वो तरबेला डैम है। नेक्स्ट है मजमाउल बहरीन, मजमाउल बहरीन और द मिंगलिंग ऑफ टू ओशन, ये बुक किसने लिखी, मोहम्मद दारा शेख ने, मोहम्मद दारा शेख ने मजमाउल बहरीन और द मिंगलिंग ऑफ टू ओशन ये बुक लिखी है मोहम्मद दारा शेख ने। नेक्स्ट है शेख अहमद फारूकी, शेख अहमद फारूकी को उनको क्या कहा जाता है, उनको मुजद्दद अलफसानी, इमाम रुबानी और शेख सरहिंदी, ये तीनों के तीनों नाम उन्हें दिए जाते हैं शेख अहमद फारूकी को। फर्स्ट कमांडर इन चीफ़ ऑफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की कमांडर इन चीफ़ यानी कि पाकिस्तान आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ़ का नाम क्या था, जनरल फ्रैंक मिज़रवे, जनरल फ्रैंक मिज़रवे पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ थे आर्मी के। नेक्स्ट है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आज़ादी के बाद पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे पंजाब के, नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोत, नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदोत पहले चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के आफ्टर इंडिपेंडेंस। फर्स्ट पाकिस्तानी टू हाइस्ट द पाकिस्तानी फ्लैग एट नॉर्थ और साउथ पोल, उनका नाम था नुमैरा सलीम, नुमैरा सलीम पहली पाकिस्तानी थी जिन्होंने पाकिस्तानी झंडे को लहराया नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर, नुमैरा सलीम। नेक्स्ट आएगा द मेन जस्टिफिकेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग 18th अमेंडमेंट, 18वीं तरमीम जो 2010 के अंदर की गई थी उसका मेन मकसद क्या था, टू ग्रांट मैक्सिमम लेजिस्लेटिव एंड फिस्कल एटॉनमी टू प्रोविंसेस, मतलब सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियारात जो हैं वो हर हवाले से दिए जाएं। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश क्राउन इन 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये ब्रिटिश क्राउन ने यानी कि बरतानिया का जो बादशाह है उसने अपने कब्ज़े में ले ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1858 के अंदर। नेक्स्ट आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट का इनमें से कौन सा मकसद नहीं था, तो वो था कि टू प्रिपेयर मॉडर्न मुस्लिम लीडरशिप फॉर अचीविंग अ सेपरेट होमलैंड, यानी कि अलीगढ़ मूवमेंट का ये मकसद नहीं था कि वो मुसलमानों को पढ़ाए या लिखाए ताकि वो अपना अलग मुल्क बना सकें, ये उसका मोटिव नहीं था। नेक्स्ट है सल्तनत ऑफ ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान सीडेड द गवादर एनक्लेव टू पाकिस्तान इन 1958, पाकिस्तान ने ओमान से जो है वो गवादर पोर्ट ख़रीदा था 1958 के अंदर। नेक्स्ट है फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, वो है ईरान, ईरान ने पाकिस्तान की सबसे पहले इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट किया था। अच्छा उसके बाद आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्राइबल एरियाज़, ट्राइबल एरियाज़ के हवाले से क्या चीज़ दुरुस्त नहीं है, तो वो है जी बिफोर मेकिंग अ लॉ एप्लीकेबल टू ट्राइबल एरिया प्रेजिडेंट हैज़ टू कंसल्ट अ ट्राइबल जिगरा रिप्रेजेंटिंग डेट ट्राइबल एरिया, तो ये बिल्कुल गलत है कि मतलब कोई भी लॉ बनाने से पहले जो प्रेजिडेंट है उसको मशवरा लेना चाहिए ट्राइबल जिगरा से, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आएगा इंडस रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी, दरियाए सिंध जो है वो अरेबियन सी में किस मुकाम के ऊपर उसमें गिरता है, तो वह है मिथन कोट, मिथन कोट का जो मुकाम है वहाँ पर इंडस रिवर जो है वो अरेबियन सी में गिरता है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लाइंबर फ्रॉम पाकिस्तान टू हैव सबमिटेड माउंट एवरेस्ट ऑन 17 मई सन 2000 को पहला पाकिस्तानी जिसने माउंट एवरेस्ट को पास किया, तो वह है नज़ीर साबर, नज़ीर साबर पहले पाकिस्तानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्रॉस किया 17 मई सन 2000 को।
नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री, इनमें से कौन सा मुल्क जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, तो वो है पोलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए स्कैंडिनेवियन कंट्री, तो वो है पोलैंड। पोलैंड जो है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। नेक्स्ट है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिमेन्ड द गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो वो 13 महीने के लिए गवर्नर जनरल रहे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और फिर 71 साल और 8 महीनों की उम्र में आपका वफात हुआ और आपकी डेथ हुई 13 सितंबर 1948 को आपकी वफात हुई थी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 13 माह के लिए आप गवर्नर जनरल भी रहे। नेक्स्ट विच एरिया पंजाब विद मुस्लिम मेजॉरिटी वाज अवार्डेड टू इंडिया बाय बाउंड्री कमीशन इन 1947, वो है फिरोजपुर। फिरोजपुर ये वो एरिया है पंजाब का जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी भी थी, लेकिन फिर भी ये एरिया इंडिया को दे दिया गया 1947 की पार्टीशन में। नेक्स्ट है द स्टेट। स्टेट जो होती है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट भी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये सारी की सारी मिलकर स्टेट इसका यानी कि मतलब होता है द स्टेट। नेक्स्ट है फेमस अल तहरीर स्क्वायर, मशहूर अल तहरीर स्क्वायर ये कहाँ पर है, कैरो के अंदर यानी कि इजिप्ट के इलाके में। द फेमस अल तहरीर स्क्वायर इज़ इन कैरो। नेक्स्ट द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, हर शहरी की बुनियादी ड्यूटी क्या है कि वो ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, कि मतलब वो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करे। द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न इज़ टू ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ है, वो एक टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है। ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। विच पॉइजनस गैस इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन कोल इज़ बर्न्ड विदाउट इनफ एयर सप्लाई, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी जहरीली गैस है जो उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में जलाया जाए। नेक्स्ट है सन लाइट फॉलिंग ऑन आवर स्किन कॉजेज इट टू प्रोड्यूस विटामिन डी, जो स्किन यानी कि सॉरी सन लाइट फॉलिंग ऑन आवर स्किन, जो सूरज की रोशनी हमारी बॉडी के ऊपर गिरती है तो वो हमारी बॉडी में विटामिन डी को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है उसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका फार्मूला है NaCl। सोडियम क्लोराइड यानी नमक का फार्मूला NaCl है। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, पंजाब के मुकम्मल तौर पर यानी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, वो हैं 36। पंजाब के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 36। बलूचिस्तान के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 34। उसके बाद सिंध के टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 30। नेक्स्ट आएगा रिकोडिक। रिकोडिक इज़ अ माइनिंग प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान फॉर कॉपर रिजर्व्स। रिकोडिक जो है ये एक माइनिंग प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का कॉपर रिजर्व्स का, कॉपर गोल्ड और आयरन रिजर्व्स के हवाले से रिकोडिक जो है वो फेमस है। नेक्स्ट आएगा कि नाइपोन। नाइपोन जो है ये एक फार्मर नेम है जापान का, नाइपोन पुराना नाम है जापान का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैज़ रिसीव्ड नोबल पीस प्राइजेस, तो वो सारी की सारी ये एजेंसी जो यहाँ बयान की गई जैसे यूनिसेफ, ILO और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, इन तीनों की तीनों एजेंसियों को नोबल पीस प्राइज जो है वो नवाजा गया है। नेक्स्ट है डो जोन्स। डो जोन्स स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क जो है मतलब उसकी वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का क्या नाम है, डो जोन्स, DOWJONS, डो जोन्स। नेक्स्ट है उशर इज़ लिवीड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आर्टिफिशली इरीगेटेड एट द रेट ऑफ 1/20th, ऐसी ज़मीन जो कि बारिश के पानी से ना पैदा हुई हो बल्कि ट्यूब वेल के पानी से पैदा हुई हो, तो वहाँ उसके ऊपर जो उशर होता है वो 1/20 यानी कि उसका हिस्सा, अगर वहाँ पर 20 बोरियाँ गंदम निकलती है तो उसमें से एक बोरी जो है वो उसका उशर बनेगा, लेकिन अगर ऐसी ज़मीन जहाँ जो बारिश के पानी से निकली है, बारिश के पानी से पैदा हुई है, तो उसका 1/10th यानी कि अगर वहाँ से 10 बोरियाँ निकली हैं तो फिर उसका एक बोरी जो है वो उशर होगा। नेक्स्ट आएगा ऑन कैश गोल्ड और सिल्वर ज़कात जो है वो कितने हैं, वो सेम ही है 2.5%, 2.5% जो है वो ज़कात रेट है।
The Muslims of Mindanao Island are struggling for their total partial rights in Philippines. Muslim of Mindanao Island जो है वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं और वो कहाँ पर रहते हैं, वो फिलिपीन के अंदर है. नेक्स्ट है वाई ब्लैक सी इज़ सो कॉल्ड. ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोग होती है. डैट प्रिवेल्स देयर इन विंटर, जो कि मतलब मौसम सरमा के अंदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोग जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से उसको ब्लैक सी कहते हैं. नेक्स्ट है एरल सी. एरल सी जो है वो सेंट्रल एशिया में लोकेट है. एरल सी इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया. एरल सी सेंट्रल एशिया में पाया जाता है. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ब्रेन ड्रेन. ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि कामयाब या मतलब ज़हीन लोगों का अपना मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाना. नेक्स्ट आएगा मुजैद. मुजैद जो है ये एक सीक्रेट एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल की. मुजैद इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इसराइल. नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ मोर प्रोन टू डैमेज फ्राम हेपेटाइटिस वायरस. तो वो है लीवर. हमारा जिगर जो है वो इस बीमारी से काफ़ी डैमेज हो सकता है. और आज का आखिरी सवाल है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर. ये वर्ड, ये लाइन किसने कही थी, ये कीट्स ने कही थी. ये मशहूर लाइन जो है वो कीट्स ने कही थी, जॉन कीट्स ने, को जो 25 साल की उम्र में ही वफात पा गया था. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर. थैंक यू सो मच. आज के लिए इतना ही. अस्सलामुअलैकुम.